नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। क्या कोरोना वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है? जिस वायरस ने चीन को हलकान कर रखा है, अभी तक 26 लोगों से ज़्यादा लोग मौत की नींद सो चुके हैं, लगभग 1000 लोग संक्रमित हैं, वुहान समेत 8 शहरों को एक तरह से बंद किया जा चुका है, वही वायरस यदि भारत में दस्तक दे दे तो वाकई में चिंता की बात है। क्योंकि होता क्या है कि ये संक्रमण से होता है और एक के बाद दो के बाद तीसरा इस तरीके से होता चला जाता है। कहा ये जा रहा है कि चीन से 2 लोग वहाँ के मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे थे और उनमें हल्का सर्दी जुकाम था और कोरोना वायरस के जो लक्षण है वो सर्दी जुकाम इसी तरह के लक्षण हैं। डाउट हुआ, फिर उन्हें जो है कस्तूरबा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब अभी तक जिन लोगों को भर्ती कराया गया है उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। अभी तक उन्हें बताया भी नहीं गया है। कई तरह के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट कराए जा रहे हैं और टेस्ट के जब रिपोर्ट आएंगे तब जा करके इस बात की पुष्टि होगी कि वाकई में उनको दिक्कत क्या है। लेकिन फिलहाल जो डाउट है वो कोरोना वायरस का ही डाउट है और भारत भी अपने यहाँ एहतियाती कदम उठाने जा रहा है, क्योंकि जो चीन है वो पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश में यदि इस वायरस ने दस्तक दी है तो हजारों लोग चीन आते और जाते हैं भारत से, स्वाभाविक रूप से जो वहाँ से लौटेगा उसमें इसके लक्षण दिख सकते हैं। यही चिंता की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि इस मौसम में इस वायरस का भारत में भी एक तरह से दाखिला हो जाए। ईश्वर करे कि इन दोनों को वो वायरस ना मिले, लेकिन कहा यही जा रहा है इसी डाउट के आधार पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसे ही कोरोना वायरस को लेकर के कोई अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे, बट एक बात का ध्यान रखें कि ये वायरस चूँकि पड़ोसी मुल्क में मिला है और उससे लोग एक के बाद एक मर रहे हैं, संक्रमित हुए हैं, इसलिए जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, न सिर्फ भारत बल्कि चीन के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है और जो चीन जा रहे हैं या चीन से आ रहे हैं उनको तो विशेष तौर पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि वहाँ से जब आप आते हैं तो अपना परीक्षण जरूर कराएँ, पता नहीं कौन सा वायरस लेकर के आ रहे हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।